दोस्तों अनग्लो रसोई की रंगत अनग्लो किचन में हम दम आलू बना रहे हैं। उसके लिए मैंने आलू को जो बेबी पोटैटो को बॉईल किया है कुकर में, उसमें नमक भी डाला था जिससे वो फटे नहीं, और फिर उसको अभी ऑयल में गोल्डन ब्राउन फ्राई करना है। दोस्तों हमने बेबी पोटैटो को गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लिया है। हम बना रहे हैं दम आलू अनग्लो किचन में। मेरे साथ बने रहिए दोस्तों, धन्यवाद। हम अनग्लो किचन में दम आलू बना रहे हैं। उसके लिए मैंने एक बड़ा प्याज, एक बड़ा टमाटर, चार पांच चिली, चार पांच ग्रीन मिर्ची और पांच छह लहसुन की कली और एक इंच अदरक का टुकड़ा की ग्रेवी की, और तेल में राई, हींग, हल्दी रख के फिर इसको ग्रेवी को मैं फ्राई कर रही हूँ। जैसे ही ग्रेवी तेल छोड़ेगी, हम अपने आलू जो बॉईल करके फ्राई किया है वो डालेंगे। मेरे साथ बने रहिए दोस्तों, हम बना रहे दम आलू। दोस्तों हमने जो ग्रेवी बनाई थी उसको मैं फ्राई कर रही हूँ। इसमें मैंने थोड़ा खसखस का सीड्स भी डाले हैं जिसको मैंने भिगाया था पानी में। तो ये हमारे दम आलू की ग्रेवी बन रही है, और इसमें अब दो स्पून बटर भी डालेंगे। और जनरली लोग बॉयल आलू में थोड़ा पनीर भरते हैं दम आलू में, या मलाई भरते हैं, लेकिन मैं सिंपल दम आलू बना रही हूँ जिसको मैंने फ्राई किया है। वही आलू हम ये हमारी ग्रेवी में डालेंगे। दोस्तों मैंने ग्रेवी होते ही हमारे जो आलू बॉईल करके फ्राई किया था वो डाले, दो टेबलस्पून बटर डाला है, और अब पा ग्लास पानी डाल के इसको ढक के पकने देंगे जिससे आलू के अंदर मसाला की फ्लेवर आ जाए। दोस्तों तो ये झटपट दम आलू की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। और आज का मेरा क्विज का क्वेश्चन है कि ये जो दम आलू है वो एक्चुअली कौन से स्टेट की वानगी है, कौन से स्टेट के फेमस है, ये बताइएगा। दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू।